लेके आए हैं फिश, और इस फिश का नाम है मली फिश। तो इसे हम घर में भी बासानी बना सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो भाईजान को मैंने देखा और इनसे सीखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि इसे हम घर में कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, इसका पंख जो है ना, ये वाला हम उतारेंगे। तो ये छुरी से भी आसानी के साथ उतर जाता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये देखें, ये जो चारों तरफ पंख लगे हुए हैं ना, वो हम उतार देंगे। ये ऊपर वाला पंख भी उतारेंगे और इसकी आधी सिरी जो है ना, वो हम उतार देंगे, क्योंकि इसकी आधी सिरी के आगे वो दांत होते हैं और वो हम अच्छे से उतार देंगे। और इसके अंदर का जो आंतड़े होती हैं, वो सिर्फ इसके थैले के अंदर होती है। देखें, भाई जान बता रहे हैं कि ये चंद आंतड़े जो है ना, वो यहीं पर हैं। तो बकाया जो पिछला हिस्सा है, वो सारा गोश्त का है। ये देखें, ये सिरी है और ये देखें, ये थैला है। तो इस थैले को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने काटना है और ये साफ़ हो गया बस। तो ये देखें, गोश्त के हिस्से में आ गया और बकाया इसके हम पीस कर देंगे, यानी कि इसके अंदर आंतड़े नहीं हैं। और ये रेडी हो गई है। इसके ऊपर वाली जो स्किन होती है ना, वो नहीं उतारेंगे। तो इसकी हम रेसिपी भी बनाएंगे, वो हमारे चैनल पे है, आई बटन में मैं डाल दूँगा। दाना बड़ा मोटा लगे, बड़ी बड़ी मोटी बच्ची ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਮੱਛੀ ਚੜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਸੁੱਕੀ ਨਾ ਕੁੰਡੀ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਸੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਾਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਖਿੱਚ ਲੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਭੈਣ ਕੋਈ ਕੱਛੂ ਕੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਐਡਾ ਕੱਛੂ ਕੰਮਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਸੱਪਣੀ ਮੱਛੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਜੀ ਕਰੀਟ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿੱਡੀ ਮਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ, 800-900 ਤੋਂ ਕਿਲੋ ਵੇਚਣੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਭੀੜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਖਾ ਕੇ ਅੜ ਜਾਂਦੀ।
ਸੱਪਲ ਮੱਛੀ ਉਹ ਨੀੜਾ ਪੂਰਾ ਸੱਪ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਨੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂਚ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ।